महाराष्ट्र, मैं ऋषभ मंडलकर आज अपना नया ब्लॉग लेके आया हूँ। आज मैं नागपुर के पास में खेखड़ा नाला, एक अच्छा स्पॉट है, वहाँ जा रहा हूँ जो कन्हान नदी पे स्थित है। देखते हैं वहाँ जाके आज का मौसम कितना है, कैसा है। वैसे तो आज बहुत गर्मी है नागपुर में, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, मौसम अच्छा है, शायद हो सके बारिश हो जाए। देखते हैं फिर खेखड़ा नाला पहुँच के कि वहाँ कैसा लगता है। फ्रेंड्स हमारा, आप कहाँ जा रहे हो आज? खेखड़ा नाला जा रहे हो? हाय कर दो सबको। हेलो हेलो कर दो। हम आज खेखड़ा नाला जा रहे हैं, पहुँचते हैं खेखड़ा नाला में। फाइनली फ्रेंड हम खेखड़ा नाला पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से गाड़ी पार्क किए हैं, बस आप आगे चल रहे हैं। देखते हैं आगे चल के मौसम कैसा है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, पर देखते हैं क्या हाल है आगे। खेखड़ा नाला का रास्ता पार्किंग लगाने के बाद यहाँ से जाना पड़ता है।
जो कि कन्हान नदी पर बना हुआ है। फैमिली पिकनिक के लिए बहुत अच्छे स्पॉट, सारा दिन स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे आकर। ये जंगल टाइगर रिसॉर्ट है अंदर में, टाइगर जंगल सफारी सब यहीं से होती है। ये है व्यू केकड़ा नाला का, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। नदी शाम का समय, ये पूरा जंगल, पहाड़ एक साइड में, साइड से पूरी नदी। ये टाइगर रिसॉर्ट बना हुआ है, और आगे चल जाए। आज संडे है तो फैमिली ज़्यादा आती है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। फैमिली वन डे पिकनिक, दिन भर आओ और सुबह से आओ, टाइमिंग का कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे, कभी भी आओ कभी भी जाओ। ये रास्ता है ऊपर आने का, ये भी एक रास्ता है, पर मैं सीढ़ियों के रास्ते शॉर्टकट मारा था। ये बहुत सुंदर सा व्यू, यहाँ से कन्हान नदी बहुत बहुत अच्छी दिखती, बहुत सुंदर लगता है व्यू यहाँ से, देखते ही बनता है पूरा व्यू। फ्रेंड्स केकड़ा नाला कन्हान नदी के ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इस साइड में भी है, इस साइड में जाके देखते हैं अभी क्या है। इस साइड में ज़्यादातर लोग इधर जा रहे हैं, इधर पिकनिक मारने का स्पॉट है, चल के देखते हैं आगे कैसा है। ये इस साइड चल के देखते हैं क्या है, जंगल पहाड़ है, जंगल है। फैमिली तो इधर भी जा रही है, घूमने वाले किधर भी घूम लेते। यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता दिख रहा है कहीं जाने के लिए। ये अमायरा, हेलो करो, चलो आगे आगे चल के देखेंगे हमारा क्या है इधर। बहुत सुंदर व्यू लग रहा है, पिकनिक मनाने के लिए अच्छा स्पॉट है। एकदम घना जंगल, इसमें से रास्ता, वाव ब्यूटीफुल नेचर। एक बार आना तो सबका बनता है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे भी। ऐसी खूबसूरती,
फाइनली गाइस यहाँ भी आ गए। देखते हैं अभी साइड में अंदर चल के क्या है। एकदम जंगल के अंदर आ गए। जंगल की फीलिंग अच्छा लग रहा है देख के। मतलब जंगल में आने का मजा ही कुछ अलग होता है। अलग ही एक फीलिंग आती है, दिल को एकदम सुकून मिलता है इधर आके। चले जा रहे हैं, अब रास्ता पता है नहीं अपने को। देखते हैं कि क्या मिलता है आगे। अच्छा तो लग रहा है वैसा देख के। बोटिंग भी होती है शायद यहाँ पर। ये रखी है बोट, अभी तो बंद है, कोई है नहीं चलाने वाला। यहाँ से भी देख के देखने लायक व्यू। पूरा आसमान तालाब में दिख रहा है। क्या आसमान, क्या पानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये खूबसूरती पानी के पास में जाके देखते। इधर का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पास में पानी दिख रहा है, बहुत सुंदर। बादल बादल पानी, ऊपर आसमान बादल, नीचे पानी, साइड में पहाड़। अब वापस इधर ही चल के देखते हैं। जंगल तो घूम लिए, रात शाम का समय हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था, जाना अच्छा नहीं रहेगा इतने उधर। चलो फ्रेंड अब यहाँ से निकला जाए, अंधेरा हो रहा है तो बोले जानवरों का खतरा है यहाँ पर। गवर्नमेंट के अधिकारी आए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर रात में जानवर आते हैं शाम में पानी पीने के लिए। तो अच्छा, वैसे ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। सुबह से आओ यहाँ पर और दिन भर एंजॉय करो, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, जैसा आना है वैसा आओ, पिकनिक बनाओ। वन डे पिकनिक बहुत अच्छी बनती है। इधर जंगल के अंदर पिकनिक बना सकते हैं, इधर भी यहाँ बैठने के बहुत अच्छा है, नदी के पास में बहुत अच्छा लगता है। पीछे साइड का व्यू भी बहुत अच्छा लगता, बारिश के समय ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी टाइम भी बहुत अच्छा लगता। चलो फ्रेंड्स मिलते फिर अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और जय महाराष्ट्र, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यहाँ से निकलते हैं। जब तक के यो कर दो, यो यो।